हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा अनदर टाइपिंग जॉब। अगर आप टाइपिंग जॉब करना चाहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जॉब करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा किस तरीके से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में आपके साथ शेयर करूंगा। तो सेम उसी तरीके से आपको भी अप्लाई करना है। वीडियो को स्किप करेंगे तो आप मिसगाइड हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें किस तरीके से मैंने किया है, उसी तरीके से आप स्टेप फॉलो करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होती है तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो जॉब है ट्रांसलेट जॉब है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना होता है। अगर आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है तो आप ये जॉब कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक टूल बता दूंगा जहाँ से आप अदर लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपके साथ दो वेबसाइट शेयर करूंगा जहाँ से आप ट्रांसलेट जॉब ले सकते हो। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप पर करके दिखाऊंगा, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आपको जॉब को फाइंड करना होगा। इन दोनों वेबसाइट पे आपको बहुत सारे ट्रांसलेट जॉब मिल जाएंगे और डेली यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं जॉब। यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है, यहाँ पे तुरंत रिस्पांस मिलता है, तुरंत ही आपको जॉब मिल जाता है। जैसे ही आपको जॉब मिल जाता है, यहाँ पे आपको कुछ फाइल दिया जाता है, आपको उस फाइल को ट्रांसलेट करना होता है। लेकिन मैं जो टूल बताऊंगा उसकी मदद से आप 1 से 2 मिनट में ट्रांसलेट आराम से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारी वेबसाइट है salomworld.org। आपको क्रोम ब्राउजर में salomworld.org सर्च कर लेना होगा। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पे आपको करियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप करियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको जितने जॉब ओपनिंग है आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, हिंदी ट्रांसलेट जॉब की ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे 2 ओपनिंग हुई है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आप दूसरी वेबसाइट में बताऊंगा कि आपको बहुत सारे जॉब ओपनिंग मिल जाते हैं, अनलिमिटेड जॉब ओपनिंग मिल जाते हैं ट्रांसलेट के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 2 ओपनिंग मिली है जो कि हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश टू हिंदी में। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी में कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर जॉब है ये। इंग्लिश नहीं आती आपको तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक टूल बताऊंगा जिसकी मदद से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो आपको यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना होगा इन जॉब में। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट लिखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपको कौन सी स्किल आनी चाहिए इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्किल लिखी है, आपको कौन सी स्किल आना चाहिए इस जॉब के लिए। तो अगर आप इन स्किल को आपको आता है तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्किल पे लिखा है एडवांस लैंग्वेज नॉलेज इंग्लिश टू हिंदी। आपको इंग्लिश टू हिंदी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सलेंट राइटिंग स्किल होनी चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्किल पढ़ सकते हैं क्या क्या आपको स्किल मैंडेटरी है इस जॉब के लिए। तो यहाँ पे जॉब डिटेल्स आप देख सकते हैं, जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम, अपने घर से कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्टेटस आपको यहाँ पे पार्ट टाइम दिख रहा है। जॉब रोल आपको ट्रांसलेट है, यहाँ पे आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, ईमेल, फोन नंबर, और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन 300 चैप्टर का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना रेज्यूमे अपलोड करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अगर आप इस जॉब के लिए इलिजिबल होंगे तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे आपके ईमेल के द्वारा। अब हम चलते हैं दूसरी वेबसाइट पे जहाँ पे आपको अनलिमिटेड जॉब मिलने वाली है ट्रांसलेट से रिलेटेड। तो दूसरी वेबसाइट है indeed.com। आपको गूगल पे indeed.com सर्च कर लेना होगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप अनलिमिटेड जॉब हेर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट लिख के सर्च कर देना होगा। अगर आप कोई और जॉब सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से आप और जॉब्स को सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रांसलेट लिख देना होगा इस वाले ऑप्शन में। जैसे ही आप ट्रांसलेट लिखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांसलेट के जॉब मिल जाएंगे जो कि वर्क फ्रॉम होम है। तो देखिए, यहाँ पे ट्रांसलेट है जम्मू एंड कश्मीर से ये जॉब है, लेकिन आपको यहाँ पे वर्क अपने घर पर ही करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको जॉब मिल जाएंगे। आप यहाँ जैसे स्क्रॉल करते हैं,
यहाँ देखिए हिंदी ट्रांसलेट जॉब मिल रहा है, 8,000 से 18,000 मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही है जो कि पार्ट टाइम है। और यहाँ पे फ्रेंड हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे नीचे कहीं यहाँ तेलुगु ट्रांसलेट है, अगर आप तेलुगु में भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से 10 से 12 हज़ार मंथली इनकम है आपका जो कि पार्ट टाइम होने वाला है। यहाँ पे इंग्लिश टू मराठी ट्रांसलेट जो है जॉब ओपनिंग आई है, यहाँ से इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ देखिए फ्रीलांस ट्रांसलेट है हिंदी, बंगाली, मराठी, कनाडा। अगर आपको ये सब लैंग्वेज आती है तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं आती है तो टूल की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ से जॉब कर सकते हो। आप इन सभी जॉब में अप्लाई करके फ्रेंड्स आप कोई सा भी अगर आपका एक जॉब जो है हो जाता है तो आप यहाँ से 10 से 15 हज़ार आराम से अर्न कर सकते हो अपने घर से फ्रेंड्स टाइपिंग करके। बहुत ही आसान तरीका है। आपको इन सभी ट्रांसलेट जॉब को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे कोई सा भी एक जॉब जो आपको जॉब अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट आपको मंथली सैलरी भी दिखाई दे रही, कहाँ पे कितना आपको मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड इस जॉब की डिस्क्रिप्शन आप पूरा पढ़ लेंगे किस प्रकार से हमें ये जॉब करना है और क्या क्या हमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए जो कि हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्किल एंड एक्सपीरियंस आपको पढ़ लेना है, क्वालिफिकेशन भी आपको देख लेना है क्या क्या क्वालिफिकेशन इस जॉब में मांगा है और कितनी सैलरी है। अगर आपको लगता है कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ तो यहाँ फ्रेंड्स आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना होगा। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे साइन अप करने को मांग रहा है, तो आप इस वाली वेबसाइट पर साइन अप कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए फॉर्म आ जाता है, आपको इस फॉर्म को फिल कर लेना होगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना होगा, लास्ट नेम डाल देना होगा, यहाँ पे आपको फोन नंबर डाल देना होगा, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट डाल दीजिए किस स्टेट से आप हैं, यहाँ पे अपना कंट्री डाल दीजिए। कंट्री डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको सामने एक और पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपको रिज्यूमे अपलोड करने को मांग रहा है, तो आप अपना यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास रिज्यूमे नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट ऑनलाइन रिज्यूमे पर क्लिक करके अपना न्यू रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं अपलोड कर देता हूँ अपना रिज्यूमे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब टाइटल डालना होगा, यहाँ पे मैं ट्रांसलेट डाल देता हूँ। आप कंपनी का नाम डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है अप्लाई विदाउट कवर लेटर, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना होगा। रिव्यू और एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना होगा, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार सा फॉर्म आ जाएगा। आपको यहाँ पे देख लेना है कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। इसके बाद अगर आपको मिस्टेक दिखाई दे तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अगर ये जॉब आपके लिए अवेलेबल होगा तो ये आपसे ईमेल के द्वारा कॉन्टेक्ट करेंगे। जैसे इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे सबमिट और एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सबमिट वाले एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं आवर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, आपको सिर्फ इंतजार करना होगा उनके ईमेल का। जैसे ही उनका ईमेल आता है तो फ्रेंड्स आप यहां से 8 से 18 हज़ार मंथली इनकम कर सकते हो ये जॉब आपको लगने के बाद। ऐसे ही बहुत सारे आपको जॉब को अप्लाई कर देना होगा, एक दो में आपका जॉब लग ही जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कौन सा टूल है जिसकी मदद से आप ट्रांसलेट कर सकते हो कोई सा भी लैंग्वेज को। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको दो टूल बताऊंगा जिसकी मदद से आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, एनी लैंग्वेज को, कोई सा भी लैंग्वेज उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा गूगल ट्रांसलेट, इसमें आप कोई सा भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जी हाँ फ्रेंड्स गूगल ट्रांसलेट बहुत ही अच्छा टूल है किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। यहाँ से बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज को। सेकेंड नंबर पे हमारा टूल है फ्रेंड ग्रामरली। जी हाँ फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा टूल है जो कि आपको सेंटेंस को मेंटेन करता है। गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करने के बाद इस टूल में आप जरूर चेक कर ले जो कि सेंटेंस को मेंटेन करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं।